गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से रेवाड़ी विधानसभा में राज बब्बर के रोड शो के बाद एनबी न्यूज की टीम उनके साथ खास बातचीत करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आपको बता दें कि गुड़गांव लोकसभा सीट से राज बब्बर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ रेवाड़ी या पटौदी से कहें, मुल्तान सिंह टूंडला चुनाव लड़ने गए थे और वहां के होके रह गए। इस बार टूंडला से राज बब्बर साहब की कोई नाता, हर वीडियो में आप देख सकते हैं कि राज बब्बर साहब टूंडला का जिक्र कर रहे हैं। जूही बब्बर का वीडियो मिलेगा, टूंडला का जिक्र है। सबसे पहले जब आप टूंडला से यहाँ गुरुग्राम आए, कैसा प्यार मिल रहा है, कैसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम था यहाँ आने के बाद जो कैप्टन यादव की पूरी टीम ने जिस तरह से मुझे साथ दिया है और चिरंजीवी ने जो कमान संभाली है, उसका परिणाम यह है कि रेवाड़ी आज मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी अलग जगह पे आया हूँ, बल्कि मुझे अपना ही क्षेत्र लग रहा है और बड़ा पारिवारिक सा लग रहा है। जब नामांकन के बाद यहाँ पर चर्चा हुई थी कि राज बब्बर साहब हैं, बाहर ही हैं, आपने कई सारे रिश्ते भी गिनाए यहाँ, उसके बाद जब 15 दिन निकल चुके हैं 26 को चुनाव, कैसे देखते हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत के बारे में कहा जाता है कि राव साहब घर से निकलते हैं, हाथ हिलाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। राज बब्बर साहब ने आके कांग्रेस की बंजर जमीन, कहूंगा मैं लोकसभा के लिहाज से, उसको हरा भरा कर दिया, जैसे 2009 में फिरोजाबाद को किया था। नहीं साहब, आज की तारीख में तो मैं बाकायदा अपने घर में हूँ, मेरे बहुत घर हुए यहाँ, इनकी इनकी जितनी ब्रांच है वो सारे मेरे घर हो गए, वो कुलगल भी मेरा हो गया। तो ये तो खैर उनका जो कहना वो कहते रहे, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया है और अपना माना है। जब फिरोजाबाद आपको याद करता है तो जेड़ा जहाज जैसी परियोजना है, जहाँ पानी की किल्लत थी आप देकर आए, सैंक्शन करा के आए। गुरुग्राम को उम्मीद है तमाम सारी समस्याएं, क्योंकि जब मैं आपका इंटरव्यू देखता हूं तो कई सारी चीजें आप बहुत ग्राउंड जीरो की गिना देते हैं, उनको लेकर क्या रहेगा? तो बिल्कुल पूरी होगी मेरे, तो चाहे आगरा हो या फिरोजाबाद हो और चाहे गुड़गांव हो, मेरे पास तो बहुत मदद तगड़ी होने वाली है। चिरंजीव यहाँ पे जो है 2 महीने के 3 महीने के बाद मंत्री होने वाले हैं, कैप्टन साहब की जो गाइडेंस होने वाली है, और यहाँ दबा के काम करेंगे। छठवां चरण, पांच चरण का चुनाव निकल चुका है, पांच चरण का चुनाव निकल चुका है, कैसे देखते हैं? सरकार जो है इंडिया अलायंस की बन रही है। तो ये थे हमारे साथ राज बब्बर साहब, जो बता रहे थे कि सरकार इंडिया अलायंस की बन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब परिणाम आते हैं तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जो मोहब्बत राज बब्बर को मिल रही है वो उनको वोटों में तब्दील होती है या नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।